Hey guys, welcome to Excel tutorial channel again and next part of data validation. अब हम करेंगे तो formulas के साथ ही, but कुछ कुछ जो यहाँ पर tips हैं वो आपको देता जाऊँगा ताकि आपको समझ आएगी कैसे करेंगे. इस video में हम करेंगे कैसे हम अपने duplicate entries को prevent कर सकते हैं with the help of data validation. अगर आपके पास काफ़ी values, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये duplicate है या नहीं, या फिर आप किसी को भेजना चाहते हैं अपनी worksheet, उसमें आप data validation fill कर सकते हैं ताकि उसमें एक rule बना सकते हैं ताकि वो जो भी डालेगा वो एक unique value होनी चाहिए. उसी को लेकर यहाँ पर हम छोटा सा example cover करेंगे. देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में हम काफ़ी कुछ शेयर करने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो टू प्रिवेंट एंट्रीज, ठीक है, प्रिवेंट को एंट्रीज को, जो डुप्लीकेट एंट्रीज को हमने अगर प्रिवेंट करना है तो उसके लिए एक ही फंक्शन हमारे दिमाग में आता है. अगर आपके दिमाग में भी आया तो वो है COUNTIF. COUNTIF फंक्शन की मदद से हम ये एक डाटा वैलिडेशन यहाँ पे डालेंगे अपने रोल नंबर सेक्शन में. ऑब्वियसली बात है जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अलग अलग ही हैं, रोल नंबर्स हैं वो भी, क्योंकि स्टूडेंट नेम तो किसी का भी दो नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है, पर जो रोल नंबर है वो यूनिक आइडेंटिटी होती है एक अपने स्टूडेंट की स्कूल के, ताकि उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन सा बच्चा कौन सी रोल नंबर से और कौन सी क्लास में है. तो हम यहाँ पर रोल नंबर से यहाँ पर कुछ लिस्टेड, अगर हम ये तो पहले से ही लिस्टेड हैं, ठीक है, अगर हम किसी को ब्लैंक वैल्यूज देना चाहते हैं तो हम, मैंने पहले ही यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू भी छुपी है. अगर आप ढूंढ लिए तो बढ़िया है भाई, हमारी नज़र शक्ति अच्छी है. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक डाटा वैलिडेशन डाल लेंगे यहाँ पर, ताकि जो भी यहाँ पर आगे लिखता जाए, ठीक है, जो भी नंबर वैल्यूज आगे लिखता जाए वो डुप्लीकेट ना रहे और उसको रेक्टिफाई किया जाए. तो हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, ठीक है, वही डाटा के अंदर जाके डाटा टूल्स के अंदर. तो यहाँ पे हम रूल डालेंगे, तो पहले तो हम जाएंगे कस्टम में, ठीक है, कस्टम में जाके फॉर्मूला हम यहाँ पर डालेंगे COUNTIF का. तो COUNTIF में क्या होता है, एक हम पूरी अपनी रेंज सेलेक्ट करते हैं, राइट, और उसको एक कंपेयर करते हैं एक वैल्यू से, और फिर हम काउंट एक नंबर हम डाल देते हैं कितनी बार वो चीज़ आई हुई है. वही हम करेंगे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम पूरी रेंज लेंगे. तो रेंज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये मैंने पूरी रेंज ले ली, इसको मैं कर दूंगा लॉग F4 से, ठीक है. फिर हम कॉमा डाल के करेंगे, कॉमा आप फर्स्ट वैल्यू ही लीजिए, ठीक है, पर इसको लॉक नहीं करना है क्योंकि ऐसा ही आपको पता है कि जैसे जैसे नंबर हम यहाँ पे लिखते जाते हैं नीचे नीचे तो वो अपने आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉलम बनता रहता है इन एक्सेल फॉर्मूलास. तो ये वर्कअराउंड होता है, इसको हम नहीं करेंगे B2 को, ठीक है. अगर B2 का जो भी वैल्यू होगी वो प्री डिसेंट जो भी होगा, ठीक है, B2 की वैल्यू B2 से कंपेरिजन होगा, ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे या फिर जो भी डाटा वैलिडेट करेगा, डाटा वैलिडेशन, तो वो अपने आप ऊपर नीचे होता जाएगा. तो ये तो रही हमारे पूरे COUNTIF की जो आर्गूमेंट्स है वो हमने क्लियर कर दिए हैं. और यहाँ पे क्या लिखेंगे, is equal to 1. ये क्यों लिखेंगे is equal to 1, हम एक तरह से अपने एक्सेल को डिनोट कर रहे हैं. अगर आप प्रोग्रामिंग में, आपको पता होता है इसका मतलब, तो अगर इसका मतलब बेसिकली ये है कि is equal to 1 की ये यूनिक वैल्यू होनी चाहिए. पूरे के पूरे जो हमने किया है वो एक डिनोट करता है, जो भी वैल्यू का रिजल्ट आए वो एक बाहर ही अकर होना चाहिए. तो इसके बाद हम एक इनपुट मैसेज डाल देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लीज सेलेक्ट यूनिक रोल नंबर, रोल नंबर शुड बी यूनिक, राइट. एरर डालेंगे प्लीज स्टॉप रोल नंबर शुड बी यूनिक, ठीक है. ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैं ओके कर दूंगा. अब मैं पूरा यहाँ पर इसको यहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है. ये देखिए, अब उसने एक तरह से डाटा वैलिडेशन स्कैन कर लिया है, जो हमारे पास यहाँ पे जो 23 यहाँ पर रोल नंबर था ये वैल्यू यूनिक होनी ही चाहिए. तो उसने स्कैन करके हमें बता दिया एक एरर, तो हम करेंगे रीट्राई, राइट. तो रीट्राई हम देखते हैं कि कौन सा रोल नंबर है वो सेम है, अल्फोंसो का है 23, सेम है सारा का 23, तो हम इसको कर देंगे वेरीफाई करके, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 60, राइट. तो अगर हम वैसे एक एक में जाएंगे नीचे करते करते करते, डाटा वैलिडेशन अपनी कैलकुलेशन करता रहेगा और ये सारी चीज़ें यूनिक ही हैं. अगर आप आगे भी कुछ यानी डालना चाहते हैं इसमें, ठीक है, वो भी डाल सकते हैं, बट एक बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि जो हमने जो रेंज है वो हमने फिक्स की हुई है, ये ड्रैग आगे नहीं होगी. तो इसको फिक्स करने के लिए आपको वो F4 जो दबाया था उसको रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ F4 ही. अब आपको समझ आए कैसे हम अपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा वैलिडेशन. अगर आपको समझ आया तो लाइक जरूर कीजिए. अगर आपको लगता है नहीं यार कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा.
अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को यूजफुल होगी, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डाटा वैलिडेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।